हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या सीखेंगे, होने क्या वाला है आज के इस वीडियो में, आइए आपको बताता हूं। यहां पर देख सकते हैं कुछ वैल्यूज लिखी हुई है और यहां पर एक वैल्यू लिखी हुई है 9। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि यहां पर ये वैल्यूज जो लिखी हुई है ये किस साइड में अलाइन है, लेफ्ट साइड में अलाइन है और ये राइट साइड में अलाइन है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नंबर हमेशा किस साइड में अलाइन होता है, राइट साइड में, और टेक्स्ट हमेशा किधर होता है, लेफ्ट साइड में अलाइन होता है। तो अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कोई फॉर्मूला लगाएंगे, लाइक यहाँ पे सम फॉर्मूला लगा देता हूं इसको एड करने के लिए, तो ये एड नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट का फॉर्मेट है, जो नंबर का फॉर्मेट है केवल वही एड होगा। तो यहां पर एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ही केवल आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको सही कैसे करेंगे, तो यहां पर हमें यूज करना होगा वैल्यू का फॉर्मूला, तभी हम इसको कर पाएंगे सही। तो आइए समझते हैं कि इसमें वैल्यू का फॉर्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर कर्सर को रखेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, यहां पर करेंगे वैल्यू और यहां से उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें ये वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये लिखी हुई है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर 7 आ गया है। अब यहां पर इसे ड्रैग करवा देते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि अब यहां पर अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आसानी के साथ ऐड हो जाएंगी वैल्यूज। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसे मैंने सेलेक्ट करा और फिर एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पे 48 आंसर आ रहा है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहां पर ऐड क्यों नहीं कर रहा था और यहां पर ऐड क्यों करने लगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।